ससुराल में भी बहुत मसाइल का सामना था, अपने घर में भी बड़े मसाइल थे, तो मैंने अपना घर दूर ले लिया है, तो क्या मैंने ये सही किया है? मैं कैसे वो क्या कर दूं इसको, जब तक मुझे पता ही नहीं है क्या मसाइल थे, क्या झगड़े थे। ऐसा तो नहीं माँ बाप पर जुल्म हो गया हो कि माँ बाप के हक भी अपनी जगह पर मुसल्लम, और ज़ाहिर ज़ौजा के हुकूक भी अपनी जगह पर हैं। चुटकुला बताऊँ एक, मुझे एक इस्लामी भाई आए, गालिबन शेवड़ थे, बोला मुझे तीसरी करनी है, दो तो है मेरे पास, मुझे इजाज़त है? तो मैंने कहा मेरे कंधे बहुत कमज़ोर हैं। उस हंसता हुआ चला गया। तो यानी मतलब ये कि दो दो कर लिए, घर में जो कुछ हंगामा होगा, अब जंगे अजीम छेड़ने के लिए मुर्शिद की इजाजत मिल गई है, तो मेरा तो बेड़ा पार हो जाता। तब तो ये समझे हिकमत अमली का मौका होता है कि इसमें आदमी बहुत मोहतात रहे। अब है तो एक के साथ चार एक वक्त में जायज हैं, लेकिन हालात कैसे हैं? दूसरी की भी इजाजत कोई मांगे तो उसको नहीं देता हूँ। एक को मुबारकबाद दी थी एक बार मैंने, दूसरी की इत्तेफाक से, तो फिर जो मैंने सुना ना इसके बारे में, मैंने कान पकड़ ली। तजर्बा हो गया मुझे कि कोई अगर दूसरी करे तो मुबारकबाद भी ना दी जाए। तो है ऐसे हालात हैं, मुआशरा ऐसा हो गया। अल्लाह पाक इनके साथ आफियत का मामला करे, और माँ बाप के हुकूक और जोजा के हुकूक ये सबकी इनको पासदारी नसीब फरमाए।